भारतीय जनता युवा मोर्चा दीनदयाल नगर मंडल दमोह नगर अध्यक्ष राजुल चौराहा के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। नगर अध्यक्ष राजुल चौराहा ने बताया कि विगत दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर भगवान प्रभु श्री राम मंदिर और बजरंगबली हनुमान जी के चित्र वाला केक काट कर धर्म विरोधी कृत्य किया है। ये पहली बार नहीं है, इस तरह के कृत्य कमलनाथ और कांग्रेस द्वारा लगातार किए जाते हैं। वह सनातन हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरी कांग्रेसियों से ये चेतावनी है कि वह इस तरह के कृत्यों से बाज आए, नहीं तो युवा मोर्चा ऐसे कृत्यों के विरोध में लगातार विरोध करता रहेगा। युवा मोर्चा जिला मंत्री आलोक मुखरिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिवस पर जो कृत्य किया है वह अत्यंत ही निंदनीय और अशोभनीय है। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हें इस तरह के कृत्य शोभा नहीं देते हैं। पुतला दहन में युवा मोर्चा जिला प्रभारी और जिला महामंत्री सतीश तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णा राज, पार्षद गणेश जाटव, भाजपा मंडल महामंत्री राजेंद्र मोनू चौरसिया, युवा मोर्चा जिला महामंत्री प्रिंस जैन, कार्तिक शेलार, जिला उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा, महेंद्र राठौर, जिला मंत्री संभव सिंघई, ओम विश्वकर्मा, युवा मोर्चा महामंत्री संजय कुशवाहा सहित कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो उनके जन्मदिन के अवसर पर हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक राम मंदिर एवं हनुमान जी के चित्र का दुरुपयोग कर केक काटकर जो कृत्य किया है उसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनका पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कमलनाथ जी, ऐसे कृत्य करना आप बंद कीजिए, नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसे ही आपका पुतला दहन करता रहेगा। काला मुकर जुलूस निकालेगा। धन्यवाद। युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समस्त जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो जैसे आप जानते हैं उनके कृत्य जो रहे हैं पूर्व से, ऐसे ही आज उनने कृत्य को दोहराया और मंदिर का केक काटकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। इससे उनकी जो धर्म विरोधी गतिविधियाँ हैं, कांग्रेस की जो धर्म विरोधी गतिविधियाँ चलती आती हैं, ये उजागर हुई हैं और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा उनका पुतला फूंका गया है और विरोध दर्ज कराया गया।